वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे फ्राइड कोरिएंडर चटनी। फ्राइड कोरिएंडर चटनी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसे आप बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम के करीब धनिया पत्ता लिया है और इसे धो के अच्छी तरह से साफ करके इस तरह से रफली काट लिया है। अब एक मिक्सी के जार में धनिया डालेंगे। पहले आधा डालेंगे, थोड़ा सा पिस जाए तो बाकी भी डाल देंगे। और इसी के साथ ही इसमें 4-5 लहसुन की कलियाँ, लहसुन आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून इमली, इमली का बीज मैंने निकाल दिया है। 4 हरी मिर्च, मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, आप चाहे तो काला नमक भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। अब इसे हम कवर करेंगे और इसे एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रखिए आप इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और ये देखिए हमारा पेस्ट बनके तैयार हो चुका है और पेस्ट काफ़ी थिक है। अब गरम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का ऑयल डालेंगे। सरसों के ऑयल में ये चटनी बहुत अच्छा बनता है। ऑयल गरम हो जाए तब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी डालने से जब आप पेस्ट को डालेंगे तो ये छिड़केगा नहीं। और जीरा को मैंने थोड़ा सा भून लिया। अब इसमें धनिया पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। 4-5 मिनट भूनने के बाद धीरे धीरे चटनी का जो कलर है वो हल्का सा चेंज होने लगेगा इस तरह से। और तब इसे हम हाई फ्लेम पे भूनेंगे और एक थिक चटनी बना लेंगे। चटनी आप अपने पसंद से गाढ़ा या थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं। हमारा चटनी बन चुका है, अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। आप भी इस चटनी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए।